गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केट के अंदर में आई होप आप लगे रहे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा देख रहे होंगे. मार्केट अभी अच्छे खासे बुलनेस में है. राइट आई वॉज टुक द ट्रेड. मतलब जनरली मैंने ट्रेड नहीं लिया है बिकॉज मेरा जो इस हफ्ते का कैपेटाइट है जो मेरा प्रॉफिट है नॉल है मैंने पूरा बुक किया. जो लॉस है वो किया तो मेरा एक कैपेटाइट मैंने बना के रखा हुआ है एक्स एंड वाई जेड वैल्यू कि मेरे को इस हफ्ते के अंदर में इतने इतने पैसे कमाने इतना इतना लॉस लेना है. ये है मेरी कैपिटल का इतना परसेंट मैं अगर गेन कर लूँगा तो फिर मैं अपनी ट्रेडिंग को शट डाउन कर दूंगा और सिर्फ अपनी स्टडी करूँगा. तो आज ऐसा सच मैंने ट्रेड नहीं किया. ट्रेड काफ़ी अच्छा था गाइस. सुबह से मैं कभी मैंने अलर्ट्स लगाए हुए हैं अपने मार्केट्स के अंदर में. ये तो एक फ्यूचर का चार्ट है सॉरी स्पॉट का चार्ट है. स्पॉट के चार्ट को ले लो या फ्यूचर को देखते हुए ले लो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप एक्सपायरी का दे रहे हैं गाइज. एक्सपायरी के दिन पे आप ट्रेड करने निकले हो तो आप यार सिंपल सी चीज़ है कि आप ऑप्शंस में तो ट्रेड नहीं कर सकते. राइट कॉल एंड पुट ऑप्शंस को लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट नाउ. ठीक है तो जैसे मैं अभी ऑप्शंस की जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग आपको सिखा रहा था उसके अंदर में मैंने एक कंटिन्यू किया. एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने लिया हुआ गाइज. लाइव मार्केट चल रहा है. आप नीचे डेट देख लीजिए 4 मार्च है और अभी कितना टाइम चल रहा है. ये कैंडल है 12:36 की. ठीक है तो आफ्टरनून हुआ हुआ है. ठीक है तो सर आपने क्या चीज़ ऐसा देखा है मार्केट में क्या नहीं. देखो मैंने जो मार्केट के अंदर में देखा है इज़ अ वेरी सिंपल ट्रेड. ठीक है मैं इस चीज़ को एक बार के लिए अभी हटा देता हूँ आपके सामने. राइट और अभी अगर देखेंगे तो सुबह सुबह मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मार्केट का अगर मैं बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इज़ रेंज में चल रहा था सुबह के टाइम पर. ठीक है और आई वॉज थॉट कि मार्केट अगर मेरे को इस लेवल के अराउंड ऑफ अगर मुझे कोई ट्रेड देता है प्यारा सा तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगा. तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली और मार्केट ऊपर चला गया. देन आई डिसाइड वॉट कि अब मार्केट अगर इस लेवल के अराउंड ऑफ मुझे कोई ट्रेड देता तो मैं डेफिनेटली आई टुक द ट्रेड. तो मार्केट ने दिया नहीं. इवेंचुअली मार्केट उठ गया और फिर मार्केट नीचे आया और मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया तो मैंने डेफिनेटली इस रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से बाय करने की कोशिश की. डोंट वरी गाइज मैं लाइव वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर. अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो देखो बिकॉज मार्केट अभी इतना वॉलेटाइल है तो आप इनिशियली या विदाउट प्रैक्टिस नहीं चल सकते. राइट तो आप ये प्रैक्टिस देख सकते हो किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में इस चीज़ को देख रहा हूँ. अभी नेट चला गया. अभी मेरे को नेट दोबारा ऑन करना पड़ेगा. तो नियर बाय मैंने अपनी इस सपोर्ट के नीचे अपना रखा. ठीक है ये रेसिस्टेंट जोन है अपने लिए. इसके नीचे मैंने ऐसे रखा है वो भी इसके नीचे. तो 156 पॉइंट का है. ठीक है और यही मेरा टारगेट भी नियर बाय 1:1 का है गाइस. ठीक है काफ़ी लोग बोलेंगे सर बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा ऐसे नहीं ले रहे. देखो गाइस मेरी क्वांटिटी नियर बाय 25 रहेगा इनिशियली. कहते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको क्वांटिटी बढ़ाने से पहले रिस्क मेरे पास में 5 to 10 lakh का कैपिटल. इसका मतलब ये नहीं कि मैं यार आराम से कहते इतना बड़ा लॉट लेकर के बैठ जाऊँ. नहीं ये चीज़ नहीं लूँगा और मैं हमेशा नॉर्मल ऑर्डर्स पे लेता हूँ सो दैट आई कैरी फॉरवर्ड. इफ़ आई वॉन्ट टू बी कैरी फॉरवर्ड तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ. ठीक है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ. ठीक है वेट कर रहा हूँ इस लेवल्स के ऊपर. अगर इस लेवल्स के आसपास मुझे मार्केट दिखता है तो डेफिनेटली मैं आपको इंटीमेट करूँगा. ठीक है अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया मैं पहले बता रहा हूँ. ये सिर्फ स्टडी है तो आप भी देखो आप भी ट्राई करो इस चीज़ को एक्यूरेसी बनाओ. लाइव मार्केट में मैंने लिया हुआ है इधर लिया हुआ है. अब यहाँ तक अगर मेरा एक्यूरेसी अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम द लास्ट फरवरी एंड जनवरी से मैं इस चीज़ को टेस्ट करता आ रहा हूँ और इसके अंदर मेरी एक्यूरेसी सो कॉल्ड अच्छा खासा मेरा रहा है. अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास में 82 क्या बोलते हैं 60% तक की एक्यूरेसी रही है मेरे को. कि ऐसे अगर इतना बड़ा भाई हिट होगा तो यार नेक्स्ट टाइम भी तो मेरे को बियरेबल चाहिए होगा ना कि मेरे को नेक्स्ट टाइम भी बियर कर पाऊँ. तो मैं अभी एक लॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ. जिस दिन एक लॉट में मुझे लगा कि हाँ ठीक है तो अपकमिंग वीडियोज़ इन द फर्स्ट ऑफ मार्च फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अपना स्टार्ट होगा उसके बाद में मैं इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा. तो मेरी एक ट्रेडिंग की स्टाइल चल रही है बिकॉज मैंने काफ़ी दिनों से फ्यूचर्स में ट्रेड किया नहीं है बैंक निफ्टी में बिकॉज वॉलिडिटी के अकॉर्डिंग और मार्जिन भी कम हो गए. तो मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के. जैसे प्रिपेयर हो जाऊँगा और फिर मैं ट्रेड लूँगा. ठीक है तो अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है नियर टू नियर बोलूँ तो 87 पॉइंट्स का चल रहा है. पर मेरे को तो अपना वो उतना चाहिए. राइट तो स्टे ट्यून. अगर ये हिट होता है तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा. बाकी 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ. राइट तो गाइज फाइनली अपने को 113 पॉइंट मिल रहे हैं. ठीक है तो अभी जस्ट अभी अपना टारगेट के बहुत नियर बाय टारगेट. ये टारगेट है तो अलर्ट थोड़ा सा ऊपर लगा के अगर आता भी है तो मेरे को पता चल जाएगा इतने में अपना काम कर सकता हूँ. राइट तो भी मेरे को आज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी ट्रेड लेने का. बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कि यार ट्रेड लिया जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. छोटी सी बात है मोटी सी बात ऐसा नहीं है. ट्रेड मैं ले सकता हूँ लेने में तो बट मेरा मन नहीं है ट्रेड लेने का बिकॉज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिसिंग के टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए. डोंट गो फॉर टू बी एनीथिंग. राइट अभी बस जस्ट मेरे पास पेशेंस रखना है. इससे पेशेंस आने लग जाता है. आई नो अभी आपके कैपिटल होने के बाद भी आप ट्रेड नहीं कर रहे आपको पता है इस लेवल से. ठीक है
इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड किया है, ये लेवल आपका क्या बोलते हैं, आप इधर से भी ट्रेड ले सकते थे इस लेवल पे, आई गॉट टू बी बाय और एसएल में इस लेवल पे भी रखता तो मेरा चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। तो 1:1 का ट्रेड है, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ अपने ऊपर, ठीक है। अगर स्टडी कंप्लीट हो जाती है अच्छे से, रिजल्ट आने लग जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक एक्यूरेट बन सकता हूँ बैंक निफ्टी को लेकर के, तो मैं डेफिनेटली फिर बैंक निफ्टी के भी डेली के डेली ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। बट एक लॉट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ मार्केट में बैक टेस्टिंग होती है कि जब आप पहले से देखो, मैं बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम इवेंचुअली टू से दैट कि मार्केट के अंदर देखो ये फॉल आ रहा है तो मुझे यहाँ के लग रहा है मुझे निकल जाना चाहिए, मैं इधर भी निकल सकता था, इधर भी निकल सकता था, इधर भी निकल सकता था, बट वी विल वेट फॉर दैट लेवल ना। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ऐसे लेट हो जाएगा, ऐसे लेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो आपका यहीं रह जाएगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना। आपको देखो मेरा इधर रिस्क कितना है, अगर मैं रिस्क की बात करूँ कितना मेरा रिस्क कितना है गाइस, मेरा रिस्क है अप्रॉक्सीमेटली 264 × 25, अप्रॉक्सीमेटली 6,500 का रिस्क है। अगर मेरी 2 लाख, ये मेरा 2% होना चाहिए, तो मैं डिवाइडेड बाय 2% कर दूँ, सॉरी 66,000 डिवाइडेड बाय 2 × 100, तो आई हैव अ 3,30,000 अगर मेरे पास में हो तो डेफिनेटली आई गो फॉर टू बी व्हाट, टू बी अ बियर दिस लॉस। तो मेरे पास में 5 से 10 है तो अराउंड ऑफ मैं आराम से कर सकता हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, राइट। तो चलो वेट करते हैं, जैसे टारगेट अचीव हुआ इस वीडियो को फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा, राइट। स्टे ट्यून्ड गाइस, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, इज अप्रॉक्सीमेटली 255 पॉइंट्स, राइट। ये था मेरा टारगेट, यही मेरा टारगेट था, अगर आप इससे ऊपर बोलोगे तो वो भी उससे भी ऊपर हो चुका है, 64 था शायद, राइट। 64 पे मेरा वो था अलार्म सेट कर रखा था, तो मेरा पूरा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 1:1 ट्रेड मैंने ट्रेड लिया है गाइस, राइट। क्या सेटअप था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, देखो मैं ट्रेड में नहीं हूँ बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वेट किया है, मेरे को पता है मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं पता है। देखो आपको इसके आगे इसको देखते हुए मार्केट में ऑप्शंस बाय करना नहीं है, ऑप्शंस इसको देख के बाय करोगे तो आप हमेशा रोगे, हमेशा रोगे, बिकॉज इसके अंदर में मार्केट 5 रुपये बढ़ेगा, ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि वो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ेगा, उसकी टाइम वैल्यू घटते जाती है, उसके फैक्टर्स अलग होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड अलग तरीके से होता है और फीचर्स में अलग तरीके से, राइट गाइज। तो आप ये चीज़ मान के चलिए, तो पहला ये कंप्लीट हुआ मेरा बैंक निफ्टी, अब देखो इधर से ही गिर गया, वो कैसे पता सर आपको यहाँ से गिर जाएगा, इसलिए आपने लिखा। देखो मेरे को कभी भी मेरी लाइफ में आज तक कभी बॉटम और टॉप ढूंढने की बहुत कोशिश करी जब व्हेन आई वाज इन बिगनर स्टेज, बट जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार कोई बॉटम ट्रेड नहीं होता, कोई टॉप ट्रेड नहीं होता, जो आपने खरीद लिया वही आप समझो आपका बॉटम या टॉप है, ठीक है, तो वही चीज़ है, और जो आपने बेचा वही आपका टॉप और बॉटम है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो, तो ये मेरा ट्रेड अचीव हुआ, मैं आज ये नहीं लिखने वाला मैंने प्रॉफिट कमाया, दैट इज़ अ प्रैक्टिस मोड, मैं एटलीस्ट मान के चलिए 3 to 5 अप्रॉक्सीमेटली, ये मैं बोलूँगा कि मैं 1 मंथ का और प्रैक्टिस मोड के ऊपर रखूँगा इसे, अगर एक अच्छा खासा मुझे रिजल्ट मिलता तो मैं डेफिनेटली आपके सामने बहुत ही अच्छा ट्रेड करूँगा। तो ये फ्यूचर का रियल लाइव एग्जांपल था, मैंने ट्रेड नहीं लिया तो ये मत समझिए कि मेरे को ट्रेड करना नहीं आता ऑप्शंस में एंड ऑल, सॉरी फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं ज़रूर करूँगा बट मैं अपना पैसा झटके से ऐसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कॉमोडिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कॉमोडिटी में आप वो पढ़ते हो, बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करने से पहले वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका सेंटिमेंट समझना आना चाहिए। अब तो और भी रिस्की हो गया बिकॉज यू हैव अ न्यू वॉल्यूम इन द मार्केट ना, राइट, दैट्स अ रीज़न। तो आई होप आपको क्लियर कट हुआ होगा इस चीज़ के बारे में, तो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल डीटी फॉर बिजनेस DT4B, थैंक यू सो मच गाइज़।